गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं मुमरा देवी और सब कोई रेडी हो चुका है, सब कोई खड़ा है, बस निकलने वाले हैं। चेहरा छुपा लिया। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ना ये, इसके लिए चलो मौसी रूम से निकल गए हैं सब लोग। तो जा रहे हैं मुमरा देवी, बैठ बैठ के बोर हो चुके थे तो अभी निकल चुके हैं, आगे चलते हैं पैदल 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 चलते हुए जा रहे हैं हम लोग। आगे चल के देखते हैं, शायद मुमरा देवी जाने के लिए बस मिलेगी तो फिर बस पे बैठेंगे या जो भी रहेगा, जो भी मिल जाए। बस मुमरा देवी पहुँचने के लिए इतने दिन से घर पे बैठ बैठ के बोर हो चुके तो अभी चल रहे हैं। और वहाँ पे मतलब यहाँ से थोड़ी दूर पे जाएंगे तो वहाँ पे अभी हमारी आंटी वेट कर रही हैं, तो यहाँ से जाके हम पहले अपनी आंटी को लेंगे, उसके बाद वहाँ से मुमरा देवी जाएंगे। फर्स्ट टाइम मैं मुमरा देवी जा रही हूँ और सुना है कि वहाँ पे 700 सीढ़ियाँ हैं जिसे कि चढ़नी है। बस का वेट है कि बस मिल जाए, देखते हैं कब तक मिलती है। इतने लोग, तीन लोग ना। तो अभी हम लोग बस के पास जा रहे हैं और बस हमारी आगे खड़ी है और हम बस के पास जा रहे हैं। बारिश हुई है यहाँ पे, रोड बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कबूतर बैठे हैं, अगर मुमरा देवी नज़दीक होता ना तो हम तो पैदल ही चले जाते, मुमरा देवी भी पैदल ही चल पड़ते, बस तक पैदल पैदल चलते। अरे यार हम इधर शॉर्टकट से झूठी आए, जब हमको यहीं अपने मार्केट साइड से आना था तो मार्केट साइड से ही आते हैं। वो पगला है, बहुत बड़ा पागल है वो। हाँ तो वो पागल है ना, वहाँ से लेकर आया, उतना दूर आया हम लोग, उतना दूर चल के इधर ही निकलते। पैदल पैदल चलते जाओ चलते जाओ। तो ये कचड़े ना फेंक देना, खराब हो शायद बस नहीं मिली है, ऑटो जाएगी तो हम यहाँ से सीधे पहले सिलपाटा जाएंगे, उसके बाद वहाँ से आंटी को लेंगे, उसके बाद मुमरा देवी। तो मतलब ऑटो में बैठ चुके हैं, मासी दी है, आगे वो पगला भाग बैठा है। तो
पगला भी मेरे साथ आ गया है अभी। क्यों पगले? और किधर ए पकले? चलो मैं किसी दिखा तुम उठो। ऑटो चेंज कर लिया हमने यहाँ से।
ये चक्कर अभी तो हम लोग आ गए और अभी शायद आंटी और दी सब लोग दूर पे ही होंगे, शायद उन लोग की ऑटो आ रही है आई थिंक। तो मुझे लगा था कि हमारा बहुत दूर होगा लेकिन ये तो बहुत ही पास निकला। तो बस हमारे ऑटो वाले भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने शॉर्टकट हमें ऊपर ही बता दिया था, ऊपर नहीं ऊपर वाले रोड पे बता दिया था, वहाँ से थोड़ा ही दूर चढ़ना था। आंटी वाले ऑटो जो है वो भी नीचे ही है, वहाँ से अभी इतनी सीढ़ियाँ उनको चढ़ के आनी होगी इतने ऊपर जहाँ पे हम लोग हैं। ये स्मार्ट इतने ज़्यादा हैं कि अपना फेस वैसे दिखा ही नहीं सकते। नीचे से चढ़ के आवत है। हाँ वो लोगों को उतनी सीढ़ी चढ़नी होगी, हम लोग को ऑटो वाला बहुत सही था कि हम लोगों को उतनी दूर पे पहुँचा दिया था। लोग अभी इतना नीचे से बहुत और पर चढ़ना है। ओह हो तेरा फेस आ गया। ये हमारे घर की नहीं है, ये हमारे घर की नहीं है, इसको हम से फेंकने वाले हैं। ये पागल है, हम भी इनको ऊपर से फेंकने वाले हैं। अब सब आ चुका है, आंटी आंटी दी और दो बहनें थी वो लोग भी आ चुके हैं। अब सब चढ़ेगा उन लोगों को, उनका ऑटो वाला बहुत ही नीचे छोड़ दिया था, थक चुके हैं वो लोग अभी। अब आगे देखो वो लोग कहाँ कैसे चढ़ते हैं, अभी थक चुके हैं इसमें। ओ पगला पगला ऊपर चढ़ गया। अभी ऐसी हालत है तो फिर ऊपर क्या होगा? तुम लोग को यहाँ तक आना था। हाँ आंटी थक चुकी है अभी, जो कि चढ़ी ही नहीं। तो हम लोग चढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन थकता है और कौन नहीं। ये भी थक चुकी है क्योंकि ये भी नीचे से आ रही है। हम नीचे नहीं आते, दुनिया हमारे नीचे जाती है। लोग घर की नहीं तो क्या करूं? फोकट का इसका हम लोग बिल बनाते हैं। चल भैया ऊपर चले, तुम ज्यादा नहीं दिखो तो नीचे तक गिर जाएगी वो, छतर आ रहा है। इसको इसको नहीं नहीं ए नीचे आ जल्दी से। हम लोग इतना ऊपर आके बैठे हैं, अभी मम्मी दी और आंटी का वेट है। वो लोग अभी देखिए कब तक आती हैं, और वो दोनों पागल तो ऊपर पहुंच चुके हैं शायद, बहुत ऊपर क्योंकि वो लोग अभी मुझे दिख नहीं रहे। मेरी मम्मी और आंटी का पता नहीं है वो लोग कहाँ पे हैं। हम लोग तो इतने ऊपर आ चुके हैं और फाइनली बहुत थक चुके, पसीने हो गए सबको थक के, और वो दोनों तो बाहर ऊपर ही हैं, शायद ऊपर ही चले, मतलब ऊपर जा रहे हैं वो लोग, थोड़े ऊपर पहुँच गए हैं। कुछ भी बोल देती हूँ, तो अभी तो बहुत थक चुके हैं हम।
अभी पता नहीं कितना ऊपर चढ़ना है, जितना भी ऊपर चढ़ना हो मस्ती तो करनी है, मस्ती तो यहाँ करके ही रहेंगे। ये पगला पहले ही आ चुका है, इनसे पहले हम आए हैं तो अभी हम लोग इतना ऊपर आ गए। और सब कहाँ है? नीचे बैठ गए और सब थक के नीचे बैठ चुका है, अभी और चढ़ के जाना है। पानी में बैठी है, तैर रही है। वो लोग आ रहे पीछे पीछे, तुम तो पिछड़ी को भी टकरा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं इतना ऊपर चढ़ने के बाद, थैंक गॉड पहुंच चुके, थक भी बहुत गए हैं। तो अभी हम इतना चढ़ चढ़ कर आए हैं, इतना थक गए हैं कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा थक चुके। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं और मतलब खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, फाइनली पहुंच गए। मुमरा देवी इसलिए आए थे क्योंकि मेरे भाई का मुंडन है, तो मैं भागते भागते आ रही हूँ, मुझे भी पता चला कि इसका मुंडन होने जा रहा है, मैं कहीं इसके लिए आई थी और किसी का नहीं ले पा रही हूँ। तो आपको तो बताइए, आपको मुंडन कराने में कैसा फील हो रहा? बस टकला कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद, टकला भगवान का आशीर्वाद, ऐसा मिला टकला। इसी के लिए हम लोग आए थे। ओ तो नदी बन चुकी है, तुम लोग घूम पाए, नदी बन चुकी है। क्या उच्च विचार है तुम्हारे। हाँ, मेरी वजह से तुम लोग घूम पाए हो। टीका लगा लिया, बुड्ढे जैसा हो गया, इसके बीच में बाल नहीं है, बगल बगल वाले। ओ हो, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप लोग नमस्ते पड़ जाएगा। ओ इधर आओ, इधर आओ, आप ही निकाल दो, ये निकाल, बस ये निकाल, जल्दी निकाल। अरे आराम से, जींस नहीं गीली होनी चाहिए। क्या करूं मम्मी? अरे मम्मी मैं पानी क्यों पीने दो? गले पिड़ा काल हटा इधर से टकले भाई। अरे उसके कान के पीछे है। अरे ना आओगी क्या? अरे देखना आराम से, लगे ना सर भी जाएगा, सर भी। मैं अपने टकले पानी देखो वो खींच रहा है आपके बाल बाल बाल। अभी यहाँ पे सब फोटो फोटो ले रहे हैं, सब कोई अपने अपने फोन। अभी मस्त लग रहा है यार, मंदिर में मना है लेकिन हम घूम रहे हैं। आया ना, आया ना, मेरे टकले के साथ मेरा आज। हम मुमरा देवी से मतलब ऊपर ही हैं, तो अभी तो यहाँ पे आके मैं रिलैक्स कर रही हूँ, बैठ गई हूँ, थक चुकी हूँ क्योंकि, और अभी तो अपना वीडियो शूट कर रहा है। सब कोई वीडियो शूट कर रहा है स्लो मोशन। हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आने में तो बिल्कुल भी थकावट से फील है, ऐसा लग रहा है पीछे से कोई धक्का दे रहा है और हम बस नीचे जा रहे हैं। खाने के सामान उसके सामने, मौसम ऐसा है कि ऐसा फील हो रहा है बारिश आने वाली है, ऐसा मौसम बना हुआ है, बारिश आ सकती है और लेट भी हो गया है हम लोगों को बहुत। पानी का मजा वो ले रहा है, बच्चा पूरा गीला हो चुका है, वो झरना है। बिल्कुल गीला हो चुका है ये।
भीग भीग के आ गए हम, मजा आ गया। भीग भीग के पत्थर में से पानी गिर रहा है यार, डोंट बिलीव दिस। हम लोग वहाँ से नीचे आ गए हैं, बस थोड़ी दूर और फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे नीचे। फर्स्ट टाइम गंगा देवी में दर्शन करके मज़ा आ गया यार, मतलब बस अभी तक सुना था लेकिन आज देखा पत्थर में से पानी निकल रहे थे, इतना ठंडा पानी था यार, मतलब देख के तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया मुझे, बहुत ज़्यादा। तो फिर जो लोग नहीं घूमे अभी तक मुमरा देवी, प्लीज़ आप आइए घूमिए, मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। चलो मुंबई आना मेरा सफल हुआ, एक जगह तो घूम पाएंगे तो बैक ही दिगर पे, अब थोड़ा दूर और जाना है, अभी और भी ज़्यादा नीचे जाना है, यहाँ तो थक चुके हैं, इतना नीचे तो आ गए यार। ऊपर से ऑटो मिल गई होती वो हम लोग को ऊपर सही जगह छोड़ा था, बिल्कुल ही हिम्मत नहीं बची है। लेकिन जो भी कहो मज़ा बहुत आया, तो अब हम आ चुके हैं, बिल्कुल नीचे आ गए। नहीं आए, आए नहीं है, फोन स्विच ऑफ हो गया गाइस, जो इतना वीडियो बनाया मेरे फोन में गाइस, स्विच ऑफ हो गया गाइस, फोन वीडियो ही नहीं बनाया, अब फोन लग रहा है ना हो रहा है गाइस, मेरा फोन है हटा लेना। तो अब हम लोग नीचे आ गए और हम लोग घर जाने वाले हैं, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक फॉलो कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और कौन कौन मुमरा देवी, मुमरा देवी कौन कौन आ चुका है प्लीज़ कमेंट में बताएं, कैसा रहा आप लोगों का सफर, वो बाय।